भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक रविवार को बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और विधायक पंकज सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, MLC देवेंद्र प्रताप सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्प दंत जैन, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक का शुभारंभ उपस्थित लोगों द्वारा एक स्वर में वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति कर किया गया, जिसके पश्चात पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महामंत्री व विधायक पंकज सिंह को माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी की मजबूती के साथ साथ आगामी दिनों देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि समारोह सहित विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री नवया के सम्मानित विधायक गोरखपुर क्षेत्र के सम्मानित प्रभारी आदरणीय पंकज सिंह जी का भी मार्गदर्शन सभी को प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर हम सभी सौभाग्यशाली है। मैंने कहा कि चूंकि प्रभारी होने के बाद आपका महानगर में महानगर की प्रथम बैठक आपकी और 16 सितंबर को मासिक पुण्यतिथि
सारे कार्यक्रम हुए हम लोग उस दिन कार्यांजलि के रूप में यानी अभी जत्या जी इस बात को बताएंगे सम्मानित विधायक लोगों को उसकी मेहरबानी कर दी है और जो विधायक हैं सभी विधायकों से संयोजन कार्यांजलि के यानी 16 तारीख को कार्यक्रम होना है तो आसाम और ये सारी शहरों में बातचीत कर लेंगे उसकी एक कमेटी बनी है कंट्रोल कर रहे हैं कि महानगर के मंत्री केंद्रपाल सरकार केंद्रपाल से जी को उसका हम सबकी जिम्मेदारी है कार्यक्रम ऐसा हो उससे बड़ा और व्यापक संदेश जाए। राजनीति में सच बोलने का आदि रहा संघर्ष की कोख से निकला हूँ। मुझे चिंता होती है कि जो समाज में चिंता का विषय है उन विषयों पर किसी फोरम में चर्चा नहीं होती। हमारे खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है, समाज में नाना प्रकार की चिंता व्याप्त हो रही है। हम जनाक्रोश को कैसे नियंत्रित करेंगे यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। हम केवल अपनी प्रशंसा सुने तो वास्तव में हम अपनी कमजोरी को पकड़ नहीं सकते। जैसे चिकित्सक बीमारी को डायग्नोज कर लेता है उसके बाद उसका इलाज करता है, आज जो वर्तमान की स्थिति है गंभीर है, चिंताजनक है, नियंत्रण से बाहर है। इससे ज़्यादा कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है। उन विषयों पर बंद कमरे में नेतृत्व को गंभीरतापूर्वक चिंतन और मनन से करना चाहिए। आज मैं आपका स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ।